अमित शाह के रोड शो के बाद एक बार फिर सियासी माहौल की तपिश बढ़ गई है। इस रोड शो के दौरान अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक बार फिर बंगाल में 200 प्लस का दावा किया। अमित शाह के इस दावे ने ममता बनर्जी के खेमे की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने भी मुख्य सचिव और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर यह मान लिया है कि ममता बनर्जी पर हमले का कोई सबूत नहीं है। के पार जाएंगे। मैं खड़गपुर की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बंगाल में अमित शाह की हुंकार। खड़गपुर के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। भारी भीड़ ने फिर उड़ाई टीएमसी की नींद। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की हैं, जहां अमित शाह की अगुवाई में निकले इस रोड शो ने एक बार फिर विरोधियों के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी। सड़कों पर उमड़ा ये बेहिसाब जन सैलाब और जय श्री राम के नारों के बीच अमित शाह का ये काफिला जहां से गुजरा वहां का माहौल भगवा हो गया। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और खुद अमित शाह की मौजूदगी इस बात की तस्दीक कर रही है कि खड़गपुर की सियासत क्या रुख लेने जा रही है। न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान एक बार फिर अमित शाह ने 200 प्लस का दावा किया। आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए ऐसे ही कामना करता हूँ। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी, यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा है उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टिकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चौयू की विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों खड़गपुर बीजेपी के लिए अहम है। दरअसल खड़गपुर सदर सीट मेदिनीपुर जिले में पड़ती है। मौजूदा वक्त में सत्ताधारी टीएमसी का इस सीट पर कब्जा है। 2016 में यह सीट बीजेपी के दिलीप घोष ने कांग्रेस से जीती थी। 2019 में हुए उपचुनाव में पहली बार टीएमसी ने यह सीट जीती थी। इस सीट का सियासी इतिहास भले ही कांग्रेस के वर्चस्व वाला रहा है, लेकिन सियासी फिजाओं को कैसे अपने पक्ष में मोड़ना है ये अमित शाह से बेहतर भला कौन जानता है। परिवर्तन का जो
बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहाँ पर फिर से एक बार सोना और बांग्ला का निर्माण होगा। खड़गपुर सीट पर जीत हासिल कर न सिर्फ बीजेपी यहां खुद को 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह मजबूत करना चाहती है बल्कि आसपास के जिलों में भी खड़गपुर की सियासी लहर को पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर कैंडिडेट का चुनाव भी फूंक फूंक कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान किया है। लिस्ट की खास बात यही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत बीजेपी के 4 सांसदों को विधानसभा की सीटों के लिए टिकट दिया गया है। कुछ बड़े चेहरे आपको दिखाते हैं जिन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी समर में उतारने का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो का, जिन्हें टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। दूसरा नाम है सांसद लॉकेट चटर्जी का, जिन्हें चुरचुरा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तीसरा नाम है बेहला पूर्व से पायल सरकार का। चौथा नाम है सिंगूर से रविंद्रनाथ भट्टाचार्य का। पांचवा नाम है तारकेश्वर से चुनाव लड़ने जा रहे स्वप्निल दास गुप्ता का। छठा नाम है अंजना बासु का, जिन्हें सुनारपुर दक्षिण से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सातवां नाम है दीपक हल्दर का, जिन्हें डायमंड हार्बर से टिकट दिया गया है। आठवां नाम है नीतीश प्रमाणिक का, इन्हें दिनहाटा सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है। इसके अलावा टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी को डोमजूर सीट और प्रबीर घोषाल को उत्तरपारा सीट से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं, जिनको पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया। बाबुल जी, केंद्रीय मंत्री, सांसद और उसको विधायक का टिकट अगर पार्टी दे तो कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में। पार्टी ने जो काम दिया है वो काम सुचारू रूप से करने की कोशिश करूंगा। जहां का मैं 2 बार का सांसद हूं आसनसोल में, वहां पे 7 सीट में 7-0 करना है, वो एक चैलेंज है। उसके साथ साथ टॉलीगंज में प्रत्यक्ष रूप से मुझे लड़ने का मुझे दायित्व दिया और एक क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। उसमें भी जब मैं फ्लाइंग कलर्स से निकल जाऊं, यही आशा, उम्मीद और कॉन्फिडेंस ये है। उधर नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आए। इसी दौरान व्हीलचेयर के जरिए ही उन्होंने गांधी प्रतिमा से हजारा तक 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, और कोलकाता की सड़कों पर व्हीलचेयर के जरिए वो पदयात्रा में हिस्सा ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की ये पदयात्रा नंदीग्राम दिवस के मौके पर आयोजित की गई है। कहा यह जा रहा था कि अभिषेक बनर्जी इस पदयात्रा को लीड करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी खुद पहुंच गई व्हीलचेयर के जरिए ही। 4 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में वो हिस्सा ले रही हैं और संकेत संदेश साफ हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए कि वो उस चोट से जिसको बड़ा मुद्दा बनाया गया हारने वाली नहीं है, थकने वाली नहीं है, और वो लगातार अपनी लड़ाई सड़कों पर इसी तरह अपने व्यक्तित्व के मुताबिक, अपनी राजनीतिक इतिहास के मुताबिक लड़ती रहेंगी। दरअसल पहले कयास यही लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी की चोट की वजह से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस यात्रा को लीड करेंगे, लेकिन ऐन मौके पर ममता बनर्जी ने इस यात्रा को लीड करने का फैसला किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने लोगों को ये जताने की कोशिश की कि उन्हें अपनी चोट से कहीं ज्यादा जनता की तकलीफों की फिक्र है और इसी दर्द को बांटने के लिए वो इस यात्रा पर निकली हैं। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुझे अब भी काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है। ये अपनी पवित्र जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन हम कायरों के सामने कभी झुकेंगे नहीं। আমি হুইলচেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की चोट पर मचे सियासी घमासान के बीच
चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें चुनाव आयोग ने ये माना है कि ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का ये बयान पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर आया है। यही वजह है कि एक बार फिर ममता बनर्जी विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही ये दावा किया था कि उन पर नंदीग्राम में जानबूझकर हमला किया गया। देखिए, ये अब नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेंसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का रिपोर्ट देश के जनते को पूरा मालूम है। ममता बनर्जी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि कोई सीडी, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं था। ममता बनर्जी की हाई लेवल सिक्योरिटी रहते हैं और उनका पार्टी कार्यकर्ता साथ रहते हैं। उसके बाद भी कैसा मार लगा, कौन मारे, किसको पता भी नहीं। हालांकि लापरवाही बरतने के आरोप में चुनाव आयोग की गाज कई अधिकारियों पर जरूर गिरी है। जिन अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है उनमें सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया है, पूर्वी मिदनापुर के डीएम और एसपी को भी हटा दिया गया है। इन सभी पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। इन सभी को 31 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना को लेकर 2 नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। पंजाब इंटेलिजेंस के पूर्व डीजीपी अनिल कुमार शर्मा को विधानसभा चुनावों के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले को हवा दी है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे एक खत में इस बात की मांग की है कि ममता बनर्जी के इलाज की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। ये जरूरी है कि सच लोगों के सामने आए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और मतदान के विकल्पों में हेर फेर से बचा जा सके। जाहिर है बंगाल का ये सियासी रण अब आर पार की उस जंग में तब्दील हो चुका है, जहां लोगों का वोट हासिल करने के लिए किसी भी हथकंडे पर जोर आजमाया जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बंगाल चुनावों की चाबी जनता के ही हाथ है, जिसे ये तय करना है कि बंगाल में परिवर्तन की बयार है या फिर कुछ और। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन आज गृहमंत्री अमित शाह झारग्राम और बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झारग्राम में होनी है, उसके बाद वो बांकुरा में दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमित शाह शाम को असम जाएंगे, जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर चुनावी रण में उतर चुकी हैं। ममता ने कल कोलकाता में व्हील चेयर पर रोड शो किया, तो आज पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। एक तरफ ममता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी चोट पर सियासत भी लगातार जारी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री को सार्वजनिक करने की भी मांग की। चिट्ठी में लिखा गया कि लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और वोट के लिए कोई इस तरह से जनता को धोखा ना दे सके। बीजेपी का कहना है कि ममता के चोट के बहाने वो इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा और लोग पहचान गए हैं कि ममता जी ने 10 साल क्या किया है और अभी वो क्या कर रही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि जनता के प्रति कोई ममता जी के लिए सहानुभूति होगी, क्योंकि जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेंसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं और आने वाला समय बताएगा कि ममता जी कहाँ रहती है।
दूसरा मई तक जितना जितना जिधर इलेक्शन है नंदीग्राम से लेकर पूरा बंगाल में वो घूमते रहेंगे, चाहे व्हील चेयर भी सही, चाहे एम्बुलेंस भी सही, चाहे क्राच भी सही, चाहे स्ट्रेचर भी सही, ममता जी को रुकने का कोई बंदा अभी तक जन्म नहीं लिया। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि जो विवेक सहाय डायरेक्टर सिक्योरिटी थे ममता बनर्जी की, उन्होंने लापरवाही बरती है, इस वजह से वो घटना हुई, तो उस पर डीएम को, एसपी को, उनको भी निलंबित करके उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करने के लिए कह दिया गया, हटा दिया गया है, तो इस घटना को कैसे देख रहे हैं? जाँच एजेंसी अपना काम, जो अपना काम है वो कर रहे हैं। दीदी ने जो एक नैरेटिव, एक मेलोड्रामा उन्होंने क्रिएट किया, आज भी एक झूठ से उन्होंने गांधी जी के मूर्ति के नीचे से उन्होंने एक प्रोसेशन शुरू किया। आज का दिन जो देखिए नंदीग्राम में आज वो एट्रोसिटी हुआ था, तो नंदीग्राम दिवस पालन करती है, उस वक्त उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ बहुत 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 ही क्या कहूँ, बहुत सशक्त लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, इसी का हम सराहना करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी किया बंगाल के साथ, बंगाल इससे बेटर डिजर्व करती है, और आज भी वही दिन को एक झूठ के सहारे उनको जीना पड़ रहा है। इतने बड़े हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री के ऊपर एक तथाकथित तरीके से हमला होता है, आपने दो तीन दिन में ये चीज सॉर्ट आउट कर ली, जहां लाखों लोगों का मजमा था कि आपने किस विटनेस को पकड़ा, कहां देखा, दो दिन में आपने सब कुछ पता कर लिया। अगर इतना ही एफिशिएंट है इलेक्शन कमीशन, तो मेरे ख्याल से पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर प्रणाली इन्हीं को दे देनी चाहिए, बड़े बड़े केस सॉल्व कर लेंगे ये। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोटिल होने की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को निलंबित कर दिया है, साथ ही डीएम विभू गोयल को भी हटा दिया गया है और उनकी जगह स्मिता पांडे को दी गई है नई जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को भी पद से मुक्त कर दिया है। साथ ही आयोग ने पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार शर्मा को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उधर कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने आज ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका के पति अंकुश अरोड़ा और उसके ससुर पवन अरोड़ा को पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल मेनका से सीबीआई की पूछताछ के बाद इन दोनों का नाम सामने आया था। वहीं आज पोंजी घोटाले के एक मामले में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए कोलकाता दफ्तर में बुलाया है। और अब पश्चिम बंगाल के बाद खबर उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर की पत्नी अंकिता ने देर रात अपनी हाथ की नस काट ली। आनंद फानंद में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के चंद घंटे पहले ही अंकिता का रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो आयुष पर गंभीर आरोप लगाकर जान देने की बात कह रही थी। इस वायरल वीडियो में अंकिता ने आयुष पर धोखा देने का आरोप लगाया, उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में अंकिता ने कहा कि वो 14 मार्च को आयुष से मिलने थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि वो आया ही नहीं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद अंकिता थाने से घर पहुंची और उसने रोते रोते ये वीडियो बनाया, जिसमें वो आयुष पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए खुदकुशी करने की बात कहती दिखाई दी। मैं गई थाने पे, लोगों ने बोला तुम नहीं आए, सब झूठ, सब मिले हुए एक तरफ से, पुलिस सारे लोग तो मिले हुए, मैं किसको बोलूं, किस पे भरोसा करूं, कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में, तुमने छोड़ा मैं। अच्छा क्या ना, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा। रूस के कलुगा में कोरोना वायरस के प्रतीक के तौर पर बनाए गए एक बड़े से लकड़ी के महल को जलाकर कई लोगों ने जश्न मनाया। वहां विंटर फेस्टिवल के खत्म होने के मौके पर कई लोग एक बर्फीले मैदान में जुटे थे, जहां पहले से रखे गए लकड़ी के महलनुमा ढांचे को आग के हवाले किया गया। ड्रोन कैमरों से बनाए गए वीडियो में ऐसा लगा जैसे वहां सच में कोई महल आग की लपटों में घिरा हो। इस ढांचे को कोरोना वायरस के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था, जिसे जलाकर लोगों ने कोरोना के खात्मे का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी, जो उस ढांचे के चारों ओर गोला बनाकर खड़ी नजर आई। वहां पहुंचे लोगों में केवल रूस के लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ और देशों के लोग भी जश्न मनाने वहां पहुंचे। बताया गया कि लकड़ी के इस महलनुमा ढांचे को बनाने में कई दिन लगे। करीब 24 मीटर ऊंचा वो ढांचा कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में मामूली सी बात पर बीजेपी के दो नेताओं के बीच गर्मा गर्म बहस हो गई। ये हंगामा तब हुआ जब
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वहां एक दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाने के लिए पहुंचे थे और भीड़ ज्यादा होने की वजह से बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता ने कुछ लोगों को बाहर ही रोक दिया। जो लोग बाहर रोके गए उनमें बीजेपी नेता हरिओम शर्मा भी शामिल थे। रोके जाने से हरिओम शर्मा और उनके समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद किसी तरह अपने समर्थकों के साथ हरिओम शर्मा घर के अंदर घुस गए, लेकिन उनका गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। इस पूरे हंगामे के दौरान वहां बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे, जिनमें कुछ ने बहस को शांत करवाने की कोशिश भी की। काफी देर बाद जब पार्टी के कुछ नेताओं ने हरिओम शर्मा को समझाया, जिसके बाद उनके समर्थकों का गुस्सा भी ठंडा हो गया। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी ने ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इलाज की जानकारी मांगी। यही नहीं, बीजेपी ने उनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री को सार्वजनिक करने की भी मांग की। चिट्ठी में लिखा गया कि लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और वोट के लिए कोई इस तरह धोखा ना दे सके। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,500 से ज्यादा मरीज सामने आए और 50 लोगों की मौत हो गई। मुंबई शहर में एक दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,000 के पास पहुंच गया। इसी तरह पंजाब में पिछले 24 घंटों में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की सत्ता पर काबिज पार्टी AIADMK ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने घोषणा पत्र में AIADMK ने सरकार बनने पर हर साल हर परिवार को रसोई गैस के 6 सिलेंडर मुफ्त देने और हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस नई लिस्ट में 6 उम्मीदवार तीसरे चरण के, 8 चौथे चरण के और 3 उम्मीदवार पांचवें चरण के हैं। वहीं एक उम्मीदवार छठे चरण का है। इसके अलावा सातवें चरण के 7 और आठवें चरण के 9 उम्मीदवारों के नाम भी इस सूची में हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली का एक ट्रांसफार्मर जोरदार धमाके के साथ फट गया और फिर उसमें भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 लोग झुलस गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के जालौन में अवैध शराब की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि अवैध शराब की खबर मिलने के बाद पुलिस ने वहां सादे कपड़ों में 2 सिपाहियों को भेजा था, जिन्हें गांव वालों ने पहचान लिया और उनमें एक को बंधक बना लिया। जैसे ही इस बात की खबर थाने तक पहुंची तो तुरंत बाकी पुलिस वालों को गांव में भेजा गया। पुलिस अपने साथी को छुड़ाकर गांव से निकल ही रही थी कि कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से पुलिस लोगों को समझा पाई और किसी तरह गांव से सुरक्षित निकल गई। बताया गया कि गांव वालों ने जिस सिपाही को बंधक बनाया था उसके साथ मारपीट भी की गई। इस मारपीट में वो सिपाही मामूली रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के कार्य में जो भी बाधा डालेगा उसके साथ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने जानकारी भी दी कि सिपाही को बंधक बनाने के पीछे गांव के ही बड़े शराब तस्कर का हाथ है। हर गुजरते दिन के साथ देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए और अकेले महाराष्ट्र से 16,500 केस मिले। नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2200 के पार जा पहुंची, जबकि मुंबई में आंकड़ा 2000 के पास पहुंच गया है। पुणे, ठाणे और औरंगाबाद समेत कई जिलों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लातूर में 31 मार्च तक रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर में भी आज से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया, तो वहीं पुणे में 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। अकोला, परभणी में भी लॉकडाउन की वापसी हुई है। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 4th दिन 400 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस मिले और 20 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से हर प्रोग्राम में, कुछ शादी का प्रोग्राम हो, कुछ मेला हो या एंगेजमेंट का प्रोग्राम हो, हजारों लोग जमते थे और उतना ही नहीं तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, गेम्स हो, सब खुले परमाण में चलते थे, इसलिए ये हो रहा है शायद। लेकिन अभी कुछ एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, कुछ जगह लॉकडाउन भी किया है और टेस्टिंग करना ज़्यादा पैमाने पे चालू है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में आएगा। क्या सरकार जल्द से जल्द हमारे देश के सभी नागरिकों को
मुफ्त आरामदेही रीत से वैक्सीन मिले और ज्यादा से ज्यादा, मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, पर कम से कम 12 महीने के अंदर पूरे देश में वैक्सीनेशन खत्म हो, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है। जर्मनी के ड्रेसन में कोरोना की रोकथाम के लिए की गई सख्ती के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की तरफ से लागू किए गए सख्त नियमों में ढील देने की मांग की और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर मार्च निकाला। कुछ लोगों ने वहां के एक पार्क में पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बात से बाकी लोग भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। किसी तरह पुलिस ने उस पार्क से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने सड़कों पर मार्च करते हुए हंगामा किया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले सड़क किनारे एक प्रदर्शनकारी के साथ सख्ती करते दिखे, जिस पर बाकी लोग भड़क गए। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में वहां 10 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। 7 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। जिन 7 जगहों पर छापेमारी की है उनमें दिल्ली, कोची, बेंगलुरु का नाम शामिल है। दिल्ली, कोची, बेंगलुरु में एनआईए की छापेमारी। आईएसआईएस मॉड्यूल केस में ये छापेमारी हुई है एनआईए की तरफ से। हिरासत में 4 संदिग्ध महिला। बताया जा रहा है कि दिल्ली, कोची और बेंगलुरु में ये छापेमारी की गई है। कुल 7 जगहों पर, 7 जगहों पर एनआईए ने ये छापेमारी की है, जिसमें दिल्ली का नाम भी शामिल है। कोची में भी ये छापेमारी हुई है, तो वहीं बेंगलुरु में भी एनआईए ने छापेमारी की और बताया जा रहा है कि 4 महिला संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आईएसआईएस मॉड्यूल केस है ये, जिसमें एनआईए की तरफ से कार्रवाई और हिरासत में 4 संदिग्ध महिला। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, दिल्ली, कोची और बेंगलुरु में ये छापेमारी की गई है। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या और जानकारी? देखिए, आईएसआईएस केरला मॉड्यूल है, एक नया मॉड्यूल बस किया है एनआईए ने कुछ और एजेंसियों के सहयोग के साथ। उसी सिलसिले में दिल्ली के जाफराबाद, कोची और बेंगलोर में फिलहाल छापेमारी चल रही है और 4 संदिग्ध महिला आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो महिलाएं हैं उनको पकड़ा जा चुका है और पिछले कुछ सालों में लगातार महिला आतंकी जो शामिल हो रही हैं आईएसआईएस में, उसमें आपको याद होगा साबिया अनवर शेख जो पुणे की थी, आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल में पकड़ा गया था, और हिना बशीर थी जो कुछ जिसे दिल्ली के ओखला से पकड़ा गया था। तो लगातार जो है महिलाएं इस पूरे रैकेट में शामिल होती नजर आ रही हैं और एनआईए ने कार्रवाई की है और 4 महिलाओं को इस सिलसिले में अभी डिटेन किया गया है। जी, दूसरे T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। कप्तान विराट कोहली के 73 रन और पहला मैच खेल रहे ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 56 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने हथियार के दम पर मोबाइल कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर की कार लूट ली। घटना तब हुई जब वो इंजीनियर अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सब्जी खरीदने बाहर आया था। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा में सीवर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के जरिए 500 करोड़ रुपयों की लागत से 114 कच्ची कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे वहां रहने वाले करीब 7.25 लाख आबादी को फायदा होगा। मैंने वादा किया था कि आप हमको वोट दे दोगे, हम आपके सीवर और सड़कें बनवा देंगे। केरल में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने टिकट नहीं मिलने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, विरोध जताने के लिए लतिका सुभाष ने पार्टी ऑफिस के सामने बैठकर सिर तक मुंडवा लिया। उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी की पूजा की। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहे, जिन्होंने बाद में वहां बनाए जा रहे विंध्य कॉरिडोर की उन्हें जानकारी दी। बिहार के नालंदा में कुछ बदमाशों ने सड़क पर 3 छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें 3 बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि कुछ रोज पहले उन छात्रों का बदमाशों के साथ बस पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की पहचान जहांगीर अहमद वानी के रूप में हुई है, जो शोपियां जिले के राक नारापोरा का रहने वाला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान उसके पास से अमेरिका में बने बेहद खतरनाक हथियार और करीब 10,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। खबर यह है कि अभी भी इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में अवैध वसूली का आरोप लगाकर एक इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया और बताया गया कि बदमाशों ने एक दुकानदार से 50 लाख रुपए की मांग की। इसके साथ ही इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए उन्होंने फायरिंग भी की, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उन्होंने बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर पुलिस के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन गुस्साए लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रशासन से मांग है, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाद में जब पुलिस ने नाराज लोगों को काफी समझाया, तब जाकर लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। राजस्थान के सीकर में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हवा में कई बार पलटती दिखी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि बेकाबू हो जाने की वजह से वो कार फिसलते हुए सड़क के किनारे चली गई, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पलटती चली गई। महज 4 सेकंड में ही वो कार 8 बार हवा में पलटी। इस हादसे में उसके परखच्चे उड़ गए। उसमें 2 लोग सवार थे, जिनमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे आदमी को आसपास के लोगों ने तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। आज की तारीख में पूरी दुनिया पीएम मोदी की कायल हो चुकी है। क्या इंटरनेशनल मीडिया, क्या अंतर्राष्ट्रीय नेता, सभी पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल भारत ने इस 55 दिनों के अंदर 71 देशों को कोरोना वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भेज चुका है। ये खुद में एक मिसाल है। यही वजह है कि कोरोना काल में पीएम मोदी की नीतियों के तहत भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया की मदद की है, उसे देखकर हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व बंधुत्व भावना को सलाम कर रहा है। भारत बना विश्व बंधु। इकहत्तर देशों को भेजी वैक्सीन। 55 दिनों में 6 करोड़ डोज भेजी। पीएम मोदी की वैक्सीन मैत्री। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। बस इसी मंगल कामना के साथ पीएम मोदी ने विश्व बंधुत्व की एक ऐसी मिसाल कायम की कि आज पूरी दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो गई है। जहां अमेरिका और यूरोप के कई देश वैक्सीन बनाकर अपने देश में वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, वहीं भारत अपने नागरिकों की वैक्सीनेशन के साथ साथ दुनिया के कई देशों की भी मदद कर रहा है। और पीएम मोदी बड़े ही सहज और सरल तरीके से इसका पूरा श्रेय मानवता की सेवा भाव को देते हैं। भारत में आज जो विमान वैक्सीन की लाखों डोज लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो खाली नहीं आ रहे हैं, वो अपने साथ भारत के प्रति बढ़ा हुआ भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता और उन देशों का लोगों का स्नेह और बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके आशीर्वाद, एक भावात्मक लगाव लेकर के ये हमारे जहाज भर भर के आ रहे हैं। और ये संकट काल में जो भरोसा बनता है वो केवल प्रभावी पैदा नहीं करता, ये भरोसा चिरंजीव होता है। यही वजह है
कि भारत की वैक्सीन मैत्री की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। दरअसल भारत ने कोरोना काल में महज 55 दिनों के अंदर 71 देशों को वैक्सीन के 6 करोड़ डोज भेजे हैं। इन 6 करोड़ वैक्सीन डोज में से करीब 81 लाख वैक्सीन डोज भारत ने अपने पड़ोसी देशों को बतौर गिफ्ट भेजे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने कोवैक्स मैकेनिज्म के तहत 1,65,00,000 डोज संयुक्त राष्ट्र को भेजे हैं। 3,39,00,000 डोज कमर्शियल डील के तौर पर भेजे गए हैं। भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के 37 देशों को मुफ्त भेजी गई है। बड़ी मात्रा में चाहिए होगा, इसलिए भारत अकेला देश है जो इतनी बड़ी उत्पादन कर सकता है और ये वैक्सीन पूरे विश्व में मुहैया करा सकता है। इसलिए ये महामारी के चलते जो आज भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, उसी वजह से मुझे लगता है कि भारत का जो साख है, प्रभाव है या दोस्ती है पूरे विश्व में, उसको बढ़ाने में हमें सहायता मिलेगी और इस महामारी से विश्व को बचाने में भी भारत बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। भारत ने न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को बल्कि एशिया के कई मुल्कों समेत अर्जेंटीना, ब्राजील, इजिप्ट और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी वैक्सीन भिजवाई है। पाकिस्तान के साथ भले ही हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हो, लेकिन फिर भी भारत ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए कोवैक्स मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन भेजी है। भारत की इस वैक्सीन मैत्री की सबसे लाजवाब बात यह है कि जिन देशों को वैक्सीन भेजी गई है उनमें से 50% कम विकसित देश और 1/3 छोटे आइलैंड देश हैं। भारत में विकसित की गई वैक्सीन को 92 देशों ने मंगवाया है। भारत के इस कदम की तो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विविन रिचर्ड्स ने भी तारीफ की है। Wonderful contribution that India would have made to our country, which is the vaccine. We thank you so much on behalf of the Antiguan and Barbudan people. We look forward also that in the future, continued relationship. Thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. We also thank all the people of India for such a kind gesture. Thank you. डोमिनिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरेट ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिख उनके देश को वैक्सीन के 70,000 डोज भेजने की गुजारिश की है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि मैं बड़े विनम्र और आदर भाव से आपको हमारी आबादी को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन के 70,000 डोज मुफ्त भेजने की गुजारिश कर रहा हूँ। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को पीएम मोदी का मुरीद बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। दरअसल कुछ हफ्ते पहले देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने हिंदुस्तान से कोरोना वैक्सीन मांगने में कोई कोताही नहीं की। जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपने वायदे के मुताबिक दुनिया के हर मुल्क को मानवीय आधार पर कोरोना वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध है। 4 मार्च को कोरोना वैक्सीन की 5,00,000 डोज कनाडा को भेज दी गई। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद बन गए। भारत की वैक्सीन मैत्री को चीन को चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना महामारी को फैलाने के मुद्दे पर चीन पहले ही बड़े और ताकतवर मुल्कों के निशाने पर है। इतना ही नहीं, चीन ने भारत के कई पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही थी, लेकिन चीन की वैक्सीन का अभी भी कई देश इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारत चीन से पहले कई देशों को वैक्सीन भेज भी चुका है, यानी अब दुनिया चीन की बनाई वैक्सीन की मोहताज नहीं है। भारत की वैक्सीन, भारत की जो प्रभाव है उसको आगे बढ़ाने में बहुत फायदा पहुंचाएंगे भारत को, क्योंकि भारत का जो एक तरह से छवि है पूरे विश्व में वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है पूरे दूसरे देशों को। और दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनने के बावजूद दुनिया अभी भी कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन भारत ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में जितना अहम योगदान दिया है उसे पूरा विश्व सलाम कर रहा है। यही वजह है कि 12 मार्च को क्वाड देशों के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में वैक्सीन उत्पादन पर अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी भारत पर ही भरोसा जताया। इस शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया कि वैक्सीन अमेरिका में विकसित की जाएगी, लेकिन इसका निर्माण भारत में होगा। जापान और अमेरिका आर्थिक व्यवस्था करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन विकास योजना में मदद करेगा। इस सम्मेलन में साल 2022 तक आसियान देशों, प्रशांत महासागर के देशों और दुनिया के दूसरे देशों को करीब 1 बिलियन वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। चार बड़े देशों का आपस में तालमेल बढ़ता है तो भारत की जो हैसियत है उस वैक्सीन को बनाकर पूरे विश्व में भेजने की, वो और भी बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि ये अचानक वैक्सीन को लेकर दोस्ती और भी सुदृढ़ हुई है ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के चार देशों में, तो उसका जो उनकी रक्षा सुरक्षा की सोच है, सामरिक जो उनका जो पूरा ध्येय है कि चीन की चुनौती को किस तरह से सुलझाया जाए, उसको भी इसमें और सहायता मिलेगी। भारत का विश्व बंधुत्व का ऐसा भाव देखकर ही पूरी दुनिया आज की तारीख में भारत की तारीफ कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रियसस भारत और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। टेड्रोस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वैक्सीन के लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। आपकी कोवैक्स और कोविड-19 वैक्सीन दुनिया के साथ साझा करने से 60 से ज्यादा देशों में हेल्थ वर्कर और दूसरे लोगों का वैक्सीनेशन शुरू करने में मदद मिली है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे देश भी आपसे सीख लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स भी अपनी एक रिपोर्ट में ये प्रकाशित कर चुका है कि भारत दुनिया का बेजोड़ वैक्सीन निर्माता, अपने पड़ोसी दोस्तों और गरीब देशों को करोड़ों की संख्या में वैक्सीन के टीके उपलब्ध करा रहा है। भारत ने बड़ा दिल रखते हुए जब अपने वैक्सीन के दरवाजे खोले, वैक्सीन मैत्री के तहत, वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत वैक्सीन दूसरे देशों को ऑफर की, तो 92 देश एक साथ लाइन में खड़े हो गए। 71 देशों को हम सप्लाई कर चुके हैं वैक्सीन और इसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। भारत इन सभी देशों का आने वाले समय में एक घनिष्ठ मित्र कोरोना वैक्सीन के कारण होने जा रहा है। दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल पूरी दुनिया में कोरोना से 12 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी ये दुनिया की कुल आबादी का 1.54% है। अकेले अमेरिका में 3 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। भारत में 1,13,59,048 लोग कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन इनमें से 1,09,89,897 कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके अलावा भारत में अब तक 2,97,38,409 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये भी एक सच है कि दुनिया के कुल वैक्सीन उत्पादन का 60% भारत में निर्मित होता है। कोरोना वायरस वैक्सीन के अलावा भारत DPT, BCG और चेचक की वैक्सीन भी वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है, लेकिन कोरोना काल में पीएम मोदी की नीतियों के तहत भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया की मदद की है, उसे देखकर हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व बंधुत्व भावना को सलाम कर रहा है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करती दिख रही है। आरोप है कि उस बुजुर्ग ने अपनी साइकिल से उस लड़की को टक्कर मार दी थी, जिस पर वो लड़की इतना भड़क गई कि उसने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे कई बार रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। छोड़ दो। लोगों के समझाने के बावजूद उसने उस पर कई थप्पड़ और मुक्के बरसाए। तभी वहां एक महिला बीच बचाव करने के लिए पहुंची। उसे देखकर उस बुजुर्ग ने एक बार फिर खुद को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन वो लड़की उसे पुलिस के हवाले करने की बात कहती रही। मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक इमारत में आग लग गई और इससे अफरा तफरी मच गई। यह हादसा जहां पर हुआ उसके आसपास कई दूसरी इमारतें भी मौजूद थीं। तभी उनके बीच से आग की लपटें उठने लगी और धुएं का गुबार तेजी से पूरे इलाके में फैलने लगा।
आग से निकल रहे धुएं को देखकर आसपास दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई। आग जो है वो नीलकंठ उद्योग भवन नाम की जो इमारत है उसके फर्स्ट फ्लोर पर लगी हुई। खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। दमकल कर्मचारियों ने इमारत के हर हिस्से पर पानी की बौछार की ताकि उसे जल्द से जल्द बुझाया जा सके। उनकी कोशिश इस बात की भी थी कि आग दूसरी इमारतों में ना फैले। हालांकि जब तक आग को बुझाया गया तब तक लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। 23 और 24 मार्च को भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों की सालाना बैठक होगी। भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों की सालाना बैठक 23 और 24 मार्च को होगी, जिसमें चिनाब नदी पर भारत की जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले अगस्त 2018 में पाकिस्तान के लाहौर में सिंधु आयुक्तों की बैठक हुई थी। आंध्र प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सत्ता पर काबिज वाईएसआर कांग्रेस ने 75 में 74 नगर पालिकाओं और 11 नगर परिषदों में शानदार जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के एटा में 50 साल के एक बुजुर्ग की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस छानबीन में जुटी है लेकिन अभी तक ना तो हत्या की वजह साफ हुई है और ना ही हत्यारों का पता चल सका है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विद्यापीठ के छात्र राहुल यादव को मामूली विवाद में बदमाशों ने घर के बाहर गोली मार दी। घायल हालत में उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई। दिल्ली के नजदीक नोएडा में सड़क किनारे एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव का चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ था जिसकी वजह से मरने वाले की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को नदी से बाहर निकाल लिया लेकिन बाद में ड्राइवर की हालत बिगड़ गई जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बदमाश दो लड़कों के साथ बीच सड़क पर मारपीट करते दिखाई दिए। बताया गया कि उन लड़कों का बदमाशों से किसी बात पर विवाद हो गया जिसके बाद उन्होंने उन लड़कों को बीच सड़क पर ही पकड़ लिया और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने थप्पड़ से शुरुआत की और फिर उन पर मुक्के और लात भी बरसाने लगे जिसके बाद उन्होंने उन लड़कों को बीच सड़क पर ही पकड़ लिया और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने थप्पड़ से शुरुआत की और फिर उन पर मुक्के और लात भी बरसाने लगे। तभी उन लड़कों के घरवाले वहां पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह एक लड़के को उन बदमाशों से छुड़ाया लेकिन दूसरे की पिटाई जारी रखी। तब तक आसपास के भी कुछ लोग वहां बीच बचाव के लिए पहुंच गए। सबने मिलकर बदमाशों को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। खबर है कि जाते जाते भी बदमाश उन लड़कों को और पीटने की धमकी देकर गए। बाद में इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर